तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ जाति जनगणना का प्रारंभ हो चुका है और बिहार से उसकी प्राप्ति भी हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल यानी इंडिया के गठबंधन के लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, यानी जाति आधारित पर जहां काम होना है वहीं जाति आरक्षण की मांग करने वाले। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के जनरल सेक्रेटरी आज दिल्ली में मौजूद हैं, उनका जोरदार कार्यक्रम जंतर मंतर के धरती से होने वाला है। मैं आपको बता दूं वो क्या कुछ कहना चाहेंगे, सुनूंगा उन्हीं की जुबानी, सुनाऊंगा उन्हीं की पूरी बात। क्या कहेंगे रमेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद विगत काफ़ी दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघर्षरत है। लगातार लखनऊ में आंदोलन चल रहा है, प्रदेश में हम लोगों ने यात्राएँ निकाली है। अब आने वाले 27 अक्टूबर को हमारा अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद पूरे देश से तमाम साथियों के साथ जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर एक विशाल धरने का कार्यक्रम रखा गया है। हम सब लोग अपनी उन मांगों के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय जी से ये निवेदन करेंगे कि इन मांगों को बहुत जल्दी से निराकरण किया जाए और अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद की इन मांगों के ऊपर विचार करके निस्तारण किया जाए। जहाँ आरक्षण विरोधियों की बात होती है, जहाँ आरक्षण विरोधियों की बात होती है वहीं आरक्षण समर्थक भी लोग आ जाते हैं। जहाँ जिस परेशानियों से सवर्ण समाज के लोग परेशान हैं, सवर्ण कौन है मोदी जी खूब जानते हैं, लेकिन सवर्ण परेशान क्यों हों ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सर आपको क्या क्या मांगे हैं आपके। जी, हमारी पहली मांग है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद ये मांग करता है कि सवर्ण आयोग का गठन हो। जब सभी के आयोग गठित हैं, SC ST एक्ट सवर्ण आयोग के साथ साथ में अनुसूचित जाति का आयोग है, पिछड़ा वर्ग का आयोग है, अल्पसंख्यक का आयोग है, तो सवर्ण आयोग क्यों नहीं? अगर सवर्ण आयोग नहीं है तो सवर्ण लोग अपनी बातें कहाँ कहेंगे? आवश्यकता इस बात की कि सवर्ण आयोग का गठन हो, अगर नहीं तो किन्हीं भी आयोग की आवश्यकता नहीं है। ये क्षत्रिय कल्याण परिषद मांग करता है। देखा आपने जिस तरीके से मैंने बताया, तो रमेश जी के साथ में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के जनरल सेक्रेटरी के साथ आज दिल्ली में जिन राजपूतों का जमावड़ा हुआ है, लगता है कि ढेर भारी भरकम संख्या वहां पे जंतर मंतर पे पहुंच सकती है। उसी में कुछ और भी क्षत्रिय हमारे साथ है। सर आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम वीरेंद्र गौड़ है। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और फरीदाबाद से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। हमारा जो 27 तारीख को जंतर मंतर पर जो धरना होने जा रहा है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे ये जो आरक्षण का एक दीवार हमारे सामने खड़ी है, जहां हमारे बच्चे कम्पीट नहीं कर पाते, ये आरक्षण ख़त्म हो और सभी को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले। दूसरी बात, सवर्ण आयोग का गठन हो, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। सभी के साथ समानता के साथ मैं आपको और बताऊँगा, और भी लोग मेरे साथ हैं, मैं आपको बताऊंगा उन शेरों को जो लखनऊ से चल करके दिल्ली में पहुंचे हैं। अभी हमारे साथ भाई साहब, आपका क्या नाम है? उग्रसेन सिंह मेरा नाम है। मैं राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद हूँ। मेरी एक मांग है कि SC ST एक्ट ये समाप्त किया जाए। जब किसी भी व्यवस्था में किसी भी नियम कानून दंड देने के लिए हमारा सामान्य संविधान मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में हम जो है विशेष किसी को सुविधा दे करके प्रताड़ित करते हैं, क्या हमारा संविधान इतना कमज़ोर हो चुका है? इस आधार पे हम मांग करते हैं कि SC ST एक्ट ये समाप्त किया जाए और सभी लोगों को, जब दूसरी जातियां कोई गलत काम करती हैं तो जिस एक्ट के तहत दंड दिया जाता है, उसी तरीके से इनके भी साथ अगर कोई दुर्व्यवहार होता है तो उसको सामान्य संविधान के हिसाब से दंड दिया जाए और इससे समाज में असमानता जो व्याप्त हो रही है, समाज में जो द्वेष व्याप्त हो रहा है, जो समाज में वैषम्यता व्याप्त हो रही है, इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए एक नियम, एक संविधान सबके लिए लागू किया जाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैंने आपने सुन लिया होगा, हमारे दर्शकगण भी जान रहे होंगे कि इन्होंने क्या कहा, एक नियम, एक विधान, एक संविधान की जहां बात चर्चा होती है कि इलेक्शन की बात होती है, वहीं पे मैं आपको बता दूं कि पूरा देश क्या चाहता है। आप हमारे साथ हैं भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभय सिंह है और मैं बिहार छपरा से आया हूँ। अरे छपरा से आए हैं, रहते तो यहीं कहीं आस पास है, क्या कहना चाहेंगे? फरीदाबाद दिल्ली से क्या कहना चाहेंगे? ये हमने समर्थन के लिए आए हैं के वजह से हमारे 95% बच्चे मार्क्स उठाने वाले, उनको अच्छे जगह दाखिला नहीं मिलती है, 45% वाले ले जाते हैं वो पोजीशन, तो एटलीस्ट जो मेधावी छात्र हों उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं आपको बता दूं दर्शकों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आरक्षण की विसंगतियाँ रही हैं,
आरक्षण की विसंगतियां हो रही है कि कोई डोभाल पैदा नहीं होगा, कोई मोदी पैदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वीर अब्दुल हमीद चाहिए, मोदी चाहिए, डोभाल चाहिए, कैसे होंगे पैदा? आरक्षण से मिलेगी नौकरी? आईएएस पीसीएस के लोग बनते हैं क्या? डॉक्टर अनपढ़ चाहिए? आईएएस पीसीएस के लोग गंवार चाहिए? आरक्षण रूपी जंजीर से जो मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महाराणा प्रताप की वंशजों को बांधा गया है, आपको बताते चलूं और याद दिलाते चलूं, और याद भी रखना कि जिसने 567 रियासतें हिंदुस्तान को दिया था दान में, जिसने बलिदान दिया था, अपनी कुर्बानी दिया, उनके वंशजों को आरक्षण रूपी में जंजीर में बांधने के बाद ये लोग देश को कमज़ोर करना चाह रहे हैं या आगे बढ़ाना चाहते हैं?